शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। सरकार ने कच्चे पाम तेल के आयात पर लागू शुल्क को 8.25% से घटाकर 5.5% कर दिया है। सरकार के इस कदम से घरेलू तेल उत्पादकों को मदद मिलेगी और खाद्य तेल की महंगाई को नियंत्रित किया जा सकेगा। कच्चे पाम तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पहले से ही शून्य है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने पाम ऑयल पर एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस को भी 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है, जो कि 13 फरवरी से लागू है। CBIC ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि कच्चे पाम तेल और अन्य कच्चे तेलों पर आयात शुल्क को घटाने की अवधि को 6 महीने के लिए 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। खाद्य तेल से संबंधित औद्योगिक संगठन सी लंबे समय से कच्चे पाम ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल के बीच प्रभावी शुल्क के अंतर को 11% अंकों तक लाने की मांग कर रहा था। रिफाइंड पाम ऑयल पर अभी प्रभावी आयात शुल्क 13.75% है। पिछले साल भर से खाने के तेल के दाम साल भर से हाई लेवल पर बने हुए हैं। सरकार ने घरेलू स्तर पर कई मौकों पर पाम ऑयल पर आयात शुल्क में कटौती की थी। भारत अपने खाद्य तेलों की जरूरत का अधिकांश हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। आयातित खाद्य तेलों में भी बड़ा हिस्सा पाम तेल का रहता है। खाद्य तेल और तिलहनों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यों से इन जिंसों पर भंडारण की सीमा के आदेश को लागू करने को कहा है। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे आपूर्ति बनाए रखें और कारोबार में किसी तरह की बगैर अड़चन आए आदेश को लागू करें। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 3 फरवरी को खाद्य तेलों और तिलहनों पर भंडार सीमा को 3 महीने यानी 30 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया था। आदेश में भंडारण की सीमा का भी जिक्र किया गया था। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।